कथम स वैष्णवो गेहो यद्ग्रहे पुस्तकम नास्ति। भागवत रामायण जिसके घर में नहीं है वो वैष्णव का घर नहीं हो सकता। वैष्णव का घर तो वो है जिसमें ग्रंथ रखे हैं। कहीं जाओ, कल हम गए पोतदार जी के यहां पर, हमने कहा क्या करें क्या ना करें, पुस्तक, बोले हां महाराज है भागवत, बोले भागवत रहस्य है, मैंने संस्कृत की भागवत भी रखो दो खंड वाली, आधा संस्कृत आधा हिंदी रहे। नारायण महाराज चार अध्याय के महात्म्य में लिखा है कि एक बार गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण, गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमारे लिए क्या करना है हमें बता दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी आप तो सृष्टि की रचना करिए, कहां से करूं, शरीर में सामर्थ्य नहीं है शक्ति नहीं है। तो कहा आप तो सात दिन की भागवत सप्ताह करिए, सप्ताह भागवत करें तो आप में पालन की शक्ति आ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सप्ताह भागवत करी तो पालन की शक्ति आई है। विष्णु भगवान ने कहा हमें तो पालन करना है, सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने करी तो इनके अंदर सप्ताह श्रवण की शक्ति से, सप्ताह गायन की शक्ति से, सात दिन की कथा को सुनने से इनके अंदर सृष्टि की रचना करने की शक्ति आई। अब पालन की बात आई विष्णु भगवान के लिए तो बोले आप एक महीने की भागवत मास पारायण। हमारे वृंदावन में वैदिक यात्रा गुरुकुल में 50 वर्ष से अधिक हो गया है, लगभग 55 वर्ष होने आ रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का मास पारायण निरंतर चल रहा है आज भी। जब कभी मास पारायण एक महीने की भागवत करनी हो तो 11 अध्याय पाठ करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 12 अध्याय पाठ करें, लेकिन 12 अध्याय पाठ हमारे गुरुदेव मना किया करते थे कि एक महीने की भागवत में केवल 11 अध्याय नित्य पाठ करो, 12 अध्याय नित्य नहीं। क्योंकि 12 अध्याय नित्य पाठ करोगे तो एक महीने में जब भागवत पूर्ण होगी ह्रास क्रम में होगी। ह्रास क्रम का मतलब समझते हो, रोज 12 अध्याय होंगे और अंतिम दिन 10 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, कम हो जाएगा, उससे 12 से कम हो जाएगा। तो कभी भी विश्राम वृद्धि क्रम में करना चाहिए, ह्रास क्रम में नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को दक्षिणा दी जाती थी तो 101 रुपया रख करके दिया जाता था, 251 करके दिया जाए, क्यों, एक बढ़ा करके वृद्धि क्रम में, कि हमारे हाथ से हमेशा दान पुण्य हो तो वृद्धि क्रम में हो, ह्रास क्रम में कभी ना हो। 11 अध्याय पाठ करने से भागवत का मास पारायण वृद्धि क्रम में पूर्ण होगा। शंकर जी को 11 कहते हैं, रुद्र हैं, मासेन तो धूर जटी, इसलिए 11 अध्याय पाठ नित्य हो। भगवान विष्णु 11 अध्याय पाठ करने लगे तो एक महीना कथा भगवान विष्णु ने कही और लक्ष्मी जी बैठ करके कथा को सुनती है। अब लक्ष्मी माता कहती है प्रभु आप ही आप कथा करोगे, हमारा भी तो मन करता है सुनते सुनते कि हम भी बोले, तो हम एक बार आपको कथा सुनाना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम बैठ के सुनाए दे। तो लक्ष्मी जी ने कथा सुनाई है, तो भगवान नारायण ने कथा सुनी है, तो 2 महीना में भागवत पूरी हुई है। नारी थोड़ी कोमल होती है ना, तो ज्यादा नहीं बोल सकती, 2 घंटा आधा घंटा बोले तो धीरे धीरे पूरी हो गई। नारायण 2 महीना में। शंकर भगवान को कही कि आप संहारक हैं संसार के, तो हे शंकर जी आप तो भागवत का 1 वर्ष का पारायण, 1 साल। तो शंकर जी जो भागवत करते हैं ये तमोगुणी भागवत है, तीनों गुण है। ब्रह्मा जी करते हैं रजोगुणी है, और भगवान विष्णु जो करते हैं ये सतोगुणी है। लेकिन राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी है वो सतोगुणी है, रजोगुणी नहीं है। क्यों, राजा परीक्षित के जीवन में दिन ही 7 बचे हैं, इसलिए इनकी कथा रजोगुणी नहीं है। ये सप्ताह नारायण, उसके पश्चात में ये भागवत का महात्म जो पद्म पुराण के अंतर्गत है, क्योंकि हमें सप्ताह भागवत करनी है एक महीने की नहीं करनी, तो हम 6 अध्याय का महात्म वर्णन कर रहे हैं। आज हमारे प्रयास हमारा ये होगा कि हम भजन न गाएं और थोड़ा
मन ऐसा लग जाए ना, थोड़ा खटास हो जाए कि नहीं थोड़ी तो भजन हो जाए, तो सिर्फ इशारा कर दें हमको, ठीक है ना, हाँ वो तो करेंगे। नारायण सबसे पहले भगवान का स्वरूप जान लें वो कैसा है। एक बार मैं कहूं और एक बार आप कहें सब लोग, पहला श्लोक महात्म का जिसमें स्वरूप भगवान का कि भगवान कैसे हैं यह वर्णन है, उसी श्लोक में भगवान करते क्या हैं यह वर्णन है, और उसी श्लोक में भगवान का स्वभाव कैसा है यह वर्णन है, और वो कौन भगवान है यह भी उल्लेख है। तो आइए एक बार मैं कहूं और एक बार आप कहें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कैसा है? सच्चिदानंद घन भगवान का स्वरूप है पहला। मैं इस बात को हमेशा कहूंगा, अभी अभी कलकत्ते में भी कथा कही है इसी परिवार में, लेकिन ये सच्चिदानंद अगर हम प्रश्न कर दें तो लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये गारंटी हमारी है। वो लोग जिन्होंने अभी अभी कथा सुनी है, कारण जानते हैं क्यों नहीं उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि सुनी गुनी नहीं। मैं कह रहा हूं यहां पर नित्य आपको नई चीजें मिलेंगी, तो पेन डायरी लेकर के बैठो। जब आप कभी ग्रंथ पढ़ोगे, बच्चों को समझाना चाहोगे, तो कैसे बताओगे क्या सत्य है, क्या चित है, क्या आनंद है? पहले खुद भरो। सबसे पहला भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत, जो परमात्मा कण कण में व्यापक है उसको सत कहते हैं, लेकिन इन आंखों से वो दिखता नहीं, सामान्य आंखों से वो दिखाई देता नहीं, वो भगवान सत कहलाता है। वही सत भगवान जब प्रकट होकर के आ जाए तो चिद कहलाता है। जैसे दूध में मक्खन है कि नहीं दिखता है, लेकिन जब प्रकट हुआ तब दिखा, वो चिद, और खाने पर आनंद आता है, वो ही आनंद भगवान का स्वरूप है वो भी। तो सद भगवान का स्वरूप चिद, और आनंद भी भगवान का ही स्वरूप है। आनंद सुख नहीं है, सुख अलग है आनंद अलग है। सुख संसार का हो सकता है, शरीर का हो सकता है, लेकिन आनंद आत्मा की वस्तु है। सुख बाहर से मिलेगा, आनंद भीतर से होगा। कोई पीता है तो उसको बड़ा आनंद आया, वो सुख है। वो पीने पर जो चढ़ा है ना, वो कुछ देर बाद उतर भी जाएगा, लेकिन आनंद जब चढ़ता है तो कभी उतरता नहीं है। इसको पीने की भी आवश्यकता नहीं है, तो भीतर ही है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा, मस्ती है मस्ती पिया कुछ नहीं है। ये जो अलग अलग जगह तुम्हें सुख दिख रहा है ना, हकीकत में सुख नहीं है। फिर क्या है? तुम्हारे आनंद का ही रिफ्लेक्शन है। हां ट्रू, ये जो तुम्हें दुनिया में सुख दिख रहा है ये हकीकत में सुख नहीं है, ये भ्रम है सुख का, क्योंकि तुम्हारे भीतर का ही आनंद है उसका रिफ्लेक्शन है।
फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देने पर ही समझ में आएगा, हमने दही बड़ा खाया, दही बड़ा किस किस को पसंद है बताओ, आज कथा नहीं चल रही है, आज तो केवल इंटरेक्शन है, दही किस किस सबको पसंद, ठीक, दही बड़ा खाया, वो दही बड़ा सुबह को बना है और आपने खाया, बढ़िया, वही दही बड़ा शाम को खाओगे तो खट्टा हो जाएगा, तो दही बड़ा सुबह खाया तो सुख मिला, शाम को खाया तो, खीरा खाया मीठा है तो सुख मिला, कड़वा तो दुख मिला, तो भाव यह है कि वो मीठा जब है लगा तो तुम्हारे आनंद का ही रिफ्लेक्शन है जो तुम्हें खीरे में भी मिठास दिखाई दे रही है। ये मलमूत्र का बना हुआ शरीर है, अगर इसमें भी रस आ रहा है तो स्थिति कैसी है जानते हो, मलमूत्र के शरीर में भी अगर रस आ रहा है, अपने भीतर का आनंद ही उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जरा विचार करके देखो, प्राणी के भीतर प्राण जब तक है तब तक खूब रस ले लो, और प्राण निकलने के बाद में एक घड़ी भी कोई घर में रखना पसंद नहीं करता, उसे निकाल दिया जाता है, क्यों, घर के कहे बेग ही काढ़ो भूत होए पे खई है, घर के कहे बेग ही काढ़ो भूत होए पे खई है, क्यों निकाल दो जल्दी, अब तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बोलने वाला नहीं है, तो बोलने वाले को तो पहले भी तुमने नहीं देखा था, तुमने तो बोलती हुई जवान देखी थी, बोलने वाला नहीं देखा था, तुमने तो देखने वाली आंख देखी थी लेकिन देखने वाला नहीं देखा था, बस यही समझो कि अपने भीतर का आनंद ही तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है, सुख नहीं है भ्रम है, वो पर्दा हटता है तो भ्रम दूर हो जाता है, अरे ये तो बेकार है। संसार का सुख हम कैसे पा रहे हैं जानते हो, जैसे अपने ही हाथ में खून निकल जाए और चूस रहे हो उंगली को, अच्छा लगता नहीं लगता, अपने ही आनंद में आनंदित हैं और श्रेय दे रहे हैं दुनिया को, सच्चिदानंद रूप, आज एक कथा आएगी ऐसी, जिससे जिसके लिए दुखी थे पहले, जिसके लिए दुखी थे या यो कहो जिसके न होने पर दुखी थे, बाद में उसी के होने पर दुखी होने लगे, कथा आएगी, जिसके न होने पर दुखी थे बाद में उसके होने पर दुखी हो गए, अब आप देखिएगा सुख कहां है, तो भगवान में ही सुख मिलेगा, भगवान ही आनंद स्वरूप है, और हमारा बार बार सुख पाना आनंद पाना इसको पाने के लिए लालायित होना, ये क्यों, दुनिया में ऐसा एक इंसान बताओ जो सुख नहीं चाहता हो, आनंद नहीं चाहता हो, है कोई, हर कोई सुख चाहता है, हर कोई आनंद चाहता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि हर कोई भगवान चाहता है, इनडायरेक्ट वे में हम भगवान को ही चाहते हैं, क्योंकि जो वस्तु जहां से निकलती है उसके प्रति उसका आकर्षण होना स्वाभाविक है, बेटी का अपने पीहर के प्रति आकर्षण होता है कि नहीं होता, जहां से निकली है उसके प्रति आकर्षण, मिट्टी का डेला ऊपर फेंका नीचे आया, क्यों, यहीं से निकला है, अग्नि ऊपर उठी नीचे नहीं, क्यों, जहां से पैदा हो रही है उसके प्रति उसका आकर्षण है, अब उसको साइंटिफिक ढंग से आप 10 तरह से एक्सप्लेन कर दो, नहीं नहीं अग्नि हल्की होती है इस कारण, और ये 10 उदाहरण दे सकते हो, लेकिन ये सिद्धांत है, घड़ा फूटेगा तो मिट्टी में ही मिलेगा, आभूषण गलेंगे तो सोना ही बनेंगे,
क्योंकि जो वस्तु जहां से निकलती है उसके प्रति उसका आकर्षण होता है। हमारा आकर्षण, हमारा हमारी चाहना अगर सुख है, आनंद है, वो इसलिए है क्योंकि हम सुख रूपी आनंद रूपी परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर सुख रूपी है। ये कहां लिखा है तो सुनो, रामचरितमानस की पंक्तियां, जो ब्रह्मा के पुत्र और सूर्य कुल के पुरोहित गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के समुद्र हैं, जो सुख के समूह हैं, सुख राशि, जिनका सुख का सीकर मात्र, सीकर, सीकर किसे कहा? ये उंगली पानी में डाल करके निकाली है, जल का बिंदु यहां पर आया है और यो उंगली दाबकर छोड़ा, एक बिंदु में से जो कण निकलता है उस एक कण को एक सीकर बोलते हैं। जिन भगवान आनंद सिंधु सुखों के समूह के सीकर मात्र से सारा संसार सुखी हो जाता है, वो भगवान राम है, वो भगवान कृष्ण है। और अगर वो आनंद सिंधु हैं, वो सुख के समूह हैं, और हम अगर आनंद ही चाहते हैं, इसका मतलब हम भगवान को चाहते हैं, हम किसी और को नहीं चाहते, लेकिन हम स्वीकार नहीं पाते। हमारी सबसे बड़ी समस्या एक है, बड़े बड़े प्रत्यक्षवादी यहां पर बैठे हैं, बड़े बड़े प्रत्यक्षवादी, ऐसे प्रत्यक्षवादी जो कहते हैं हम तो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, आंखों देखा ही प्रमाण मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अमेरिका नहीं देखा है जिन्होंने, वो भी अमेरिका को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जिन्होंने अमेरिका को नहीं देखा है अपनी आंखों से प्रत्यक्ष, वो अमेरिका को मानते हैं कि नहीं? बोले मानते हैं। बोले क्यों नहीं मानते? भाई क्यों मानते हो भाई, तुमने तो आंखों से देखा नहीं, तुम तो प्रत्यक्षवादी हो, तुम तो आंखों देखा ही सत्य मानते हो, तुमने अपनी आंखों से अमेरिका को नहीं देखा तो उसकी सत्ता को क्यों मानते हो? अरे नहीं मानेंगे तो दुनिया मूर्ख कहेगी, नहीं मानेंगे तो दुनिया मूर्ख कहेगी। लेकिन भैया तुम तो हमेशा कहते हो हम तो भैया आंखों देखा मानते हैं, सच बिना आंखों देखा नहीं मानते, तो अमेरिका को तुमने नहीं देखा फिर क्यों मानते हो? बोले हमारे गांव के डॉक्टर साहब गए थे, उन्होंने देखा था तो उन्होंने हमें बताया था। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? उन्होंने देखा था, उन्होंने हमें बताया था, इसलिए हमें मानना है क्योंकि देखने वाले ने हमें बताया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, हमने भगवान को भले ही देखा हो या न देखा हो, लेकिन जिन्होंने भगवान को देखा है, ऐसे तुलसी ने हमें बताया है, ऐसे वेदव्यास ने हमें बताया है, ऐसे सूरदास ने हमें बताया है, ऐसी मीरा ने हमें बताया है, तो हम क्यों नहीं मानते? जरा ये विचार करके देखो, क्या उनने नहीं देखा भगवान की सत्ता को? हम कैसे जाने कि उन्होंने देखा? सूरदास वो कह रहे हैं, जब मंदिर में आए ठाकुर का दर्शन करने तो गोस्वामियों ने कहा, गोसाइयों ने, अरे ये आंध्रा आ गया कमबख्त, देखो ये ढोंगी है, पाखंडी, आंखों से दिखता नहीं, मंदिर में बेकार आ जाता, दुनिया समझती कितना बड़ा भगत है, इसको तो भगवान दिखता नहीं। तो कहा अरे क्यों आता है जब तेरे को भगवान नहीं दिखता, अंधा है तो क्यों आता है? तो कहता है भले ही हम अंधे हैं लेकिन भगवान तो आंख वाला है ना। मतलब क्या है? मतलब यह है,
कि ठाकुर तो देख रहा है ना कि एक अंधा आया है उसके दरबार में, तो कम से कम इस अंधे की हाजिरी ही लग जाएगी, इसलिए आ जाता हूं। तो भगवान तुझे दिखाई देता है? बोले बिल्कुल महाराज, इतना सुंदर, इतनी सुंदर झांकी उसकी। तो कहा आज भगवान ने कैसे रंग की पोशाक पहनी, जरा वो भी बता दे सूरदास। तो सूरदास कहते हैं ठाकुर ने तो आज पीतांबर पहन रखा है, इतनी सुंदर झांकी लग रही है ठाकुर की नजर ना लग जाए। और जैसे ही देखा महाराज तो पीला पीतांबर ही ठाकुर ने पहन रखा था, आश्चर्य लग गया। लोगों ने कहा कि तुक्का मारा होगा, गोस्वामी ने कहा तुक्का मार दिया होगा, लग गया, चलो कल ठाकुर जी को दूसरे रंग की पोशाक पहनाएंगे। आज ठाकुर जी को नीले रंग की पोशाक पहनाई और पर्दा लगा हुआ खोला, अरे सूरदास बता आज ठाकुर ने कैसे रंग की पोशाक पहनी है। सूरदास बोले बाबा सुबह सुबह ठाकुर आज बरसाने होकर के आए गए, मतलब राधा रानी को नीलांबर पहन करके आए गए आज तो ठाकुर, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ठाकुर। आज जैसे ही कहा तो गोस्वामियों को बड़ा चक्कर में पड़ गए, हे भगवान ये आंध्रा ठाकुर जी का रंग कैसे कपड़ों का बताता है। तो कहा ये भी तुक्का लग सकता है, तो एक काम करो। बोले क्या? कल ठाकुर जी को कपड़े मत पहनाओ। फिर पूछे किया भी ऐसा ही, ठाकुर को कपड़े ना पहनाए और सूरदास आए पर्दा हटाया, बता ठाकुर ने आज कैसे रंग की पोशाक पहनी है। तो सूरदास तो उछलने लगे हैं, बोले आज हरि देखे हम नंगम नंगा, आज हरि देखे हम नंगम नंगा। भगवान को देखा आंध्रे सूरदास ने, देखा है तुलसी ने, देखा है कबीर ने, देखा, हम क्यों नहीं माने उस भगवान को। नारायण वो ही भगवान सच्चिदानंद घन, वो भगवान करते क्या हैं? इस विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, ये सारा संसार उन्हीं की रचना है, ये सारा संसार। हम कहते हैं हम बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, हम कहते हैं भगवान से बड़ा कौन होगा। और भगवान का मैनेजमेंट सिस्टम अगर देख लो तो समय पर सूर्य उदय होना, समय पर अस्त हो जाना, कितना बड़ा टाइम मैनेजमेंट है। एक क्षण भी विलंब नहीं करता। यद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति, यद भयात, वायु भी जिसके भय से चलती हो, सूर्य भी जिसके भय से उदय होता हो, ये भगवान का मैनेजमेंट है। नारायण लोग कहते हैं सूरज होता है तो चंदा नहीं होता, चंदा रात को होता है सूरज दिन में होता है, लेकिन हमने तो सूरज और चंदा भी साथ साथ देखा है, देखा है नहीं देखा सूरज चंदा साथ साथ। ये भगवान का मैनेजमेंट नहीं है तो है क्या? जब मिलाना चाहते हैं मिला देते हैं। यूरोप में रात के 9:30-10 तक भी उजाला रहता है, देखो अभी, और यहां पर अंधेरा। क्या मैनेजमेंट है? एक जगह उजाला एक जगह अंधेरा, ये भगवान का मैनेजमेंट है। वो भगवान स्वभाव उनका क्या है? बोले कृपा करना उनका स्वभाव है। भगवान कभी अकृपा कर ही नहीं सकते, भगवान जब करेंगे तब कृपा ही करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हम तो दुनिया को अपना हितैषी मानते हैं, भगवान को अभी तक हमने माना ही नहीं। रामचरितमानस में दो ऐसे प्रसंग आते हैं, बालकांड में तीन तरह का जीवन है, जीवन गिरा और उठ गया, एक जीवन ऐसा है जो पतित हुआ लेकिन उठ गया, एक जीवन ऐसा है जो उठा हुआ है लेकिन गिर गया। देखो, और एक गिरा हुआ जीवन है ऊपर उठ गया। ये दो प्रकरण है, एक देवर्षि नारद का चरित्र है और एक प्रताप भानु का चरित्र है। प्रताप भानु, उसको राक्षस बनना पड़ा, रावण बनना पड़ा, और नारद जी को
नारद जी का जीवन गिरा जरूर, बंदर का मुंह मिला, गिरा जरूर लेकिन उठ गया। और एक उठा हुआ जीवन है प्रताप भानु, गिर गया, राक्षस बनना पड़ गया। जानते हो क्यों, क्या कारण था? हितैषी को पहचानने में गलती कर दी। जीवन में यह सूत्र याद रखो, हमारा हितैषी कौन है उसको पहचानने में कभी गलती मत कर बैठना। हमारा हितैषी कोई इंसान नहीं हो सकता, हमारा हितैषी तो भगवान के अतिरिक्त, मैं ये कहूं, हम ये क्यों कहें इंसान ने, हम ये कहते हैं भगवान के अतिरिक्त हमारा हितैषी कोई दूसरा नहीं हो सकता। नारद जी ने यही देखा कि हमारे तो हितैषी भगवान श्री हरि हैं, और प्रताप भानु ने एक दुष्ट झूठे पाखंडी को ही अपना हितैषी कह दिया कि आपके समान मेरा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। अंत में पतन होना पड़ा और नारद जी ने भगवान को कहा कि आप मेरे हितैषी हैं, अपना रूप मुझको दो, आपन रूप देहु प्रभु मोही। लेकिन बाद में क्या कहा, जी विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबे की दास में तोरा। जिस प्रकार भी मेरा हित होता हो हे परम कृपालु, आप तो वही काम करो। ये चौपाई बड़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो रामचरितमानस की कई चौपाइयां, लेकिन ये चौपाई मुझे इसलिए प्रिय लगती है कि जीवन में कभी कैसा भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, आप तो इस चौपाई को गाओ, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबे की दास में तोरा। जिस किसी में भी मेरा हित होता हो हे भगवान, आप तो वही काम जल्दी से कर दो, मैं तो आपका दास हूं। हर तरह से करने वाले भगवान हैं, उनकी कृपा ही उनका स्वभाव है। क्योंकि कृपु सामर्थ्य धातु से कृपा शब्द निष्पन्न होता है, कृपा सामर्थ्यवान कर सकता है। मनुष्य की सामर्थ्य कुछ नहीं है, जीव की सामर्थ्य कुछ नहीं है। आज जो हाथ चल रहा है, जिस पे तुम इतना गुमान करे बैठे हो, अभी एक पैरालाइज अटैक आ गया, ये हाथ चलना बंद हो जाएगा। जिस वाणी से तुम बोलने की बात करते हो कि हमारी वाणी की शक्ति है, अभी लकुआ मार जाए, पैरालाइज हो जाए, वाणी बोलना बंद कर देगी। जिस इंद्रियों की तुम सामर्थ्य मानते हो, ये इंद्रियां कब ढेर हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे जीव की सामर्थ्य नहीं है और ईश की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। कमी तो हम में है जो हम उसको पहचानते हैं। उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, लेकिन पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, लेकिन पुत्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, कमी हम में है उस ईश्वर में। पहचान ना पाए कि दोष हमारा है, क्योंकि हम बुद्धि से जानना चाहते हैं और बुद्धि से जाना नहीं जा सकता।
हम मन से उसे समझना चाहते हैं, वो मन से समझ में नहीं आता। हम वाणी से उसे बुलाना चाहते हैं, वो वाणी से आ नहीं पाता। इसलिए हमें उस पर पूरा विश्वास हो नहीं पाता। लेकिन उस पर विश्वास करने के लिए एक सूत्र ही काफी है। और कौन सा सूत्र? कि जो हमको हवा मिल रही है, ये किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है। है क्या? चलाने वाला वो है। ये जो हमको प्रकृति से ऑक्सीजन मिल रही है, ये देने वाला वो है। आज अगर वो ना हो तो व्यक्ति सोवे तो सोता हुआ ही रह जाए। नारायण ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद घन है, ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण है, ऐसे भगवान जिनका स्वभाव ही कृपा करना है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां श्री कृष्णाय कह करके प्रणाम किया गया, और नमः कह करके बहुवचन का प्रयोग है कि केवल वक्ता प्रणाम नहीं करता, वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर के प्रणाम करते हैं। वक्ता ये समझे कि मुझ में ज्ञान अधिक है और श्रोता समझे मुझ में ज्ञान कमती है तो कथा में रस नहीं आएगा। दोनों ही भगवत रूप हैं, श्रोता भी भगवत रूप है, वक्ता भी भगवत रूप है। वक्ता वाणी को पवित्र करने के लिए कथा कह रहा है और श्रोता अपने कानों को हृदय को पवित्र करने के लिए कथा सुन रहा है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करें। ये श्री कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण है, राधा सहित, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं करते। श्रीया राधिकया सहित कृष्ण श्री कृष्ण, जो राधा के सहित कृष्ण है। अब राधा के सहित कृष्ण क्यों कौन है और राधा के बिना कृष्ण कौन है? राधा के बिना कृष्ण तो कभी हो ही नहीं सकते। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कृष्ण में ककार कृष्ण है तो ककार के नीचे जो रीकार है, री ई, यही राधा है। ककार पुरुषः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, ईकार प्रकृति राधा नित्य वृंदावनेश्वरी, यही राधा है। नीचे रीकार ही राधा है। ककार कृष्ण है तो री राधा है, और राधा में रकार यदि कृष्ण है तो रा आ अकार है, वही श्री कृष्ण है। राधा में रकार राधा है तो अकार ही कृष्ण है, क्योंकि अक्षराणाम अकारोस्मि श्रीमद् भगवत गीता। तो राधा कृष्ण तो दो है ही नहीं, परंतु फिर भी कृष्ण के साथ श्री लगा करके क्या कहना चाहते हैं? बोले ये कौन से कृष्ण हैं? कृष्ण भी कई हैं। बोले बिल्कुल हैं। बोले कौन से कृष्ण? वृंदावन वालों कृष्ण है कि मथुरा वालों कृष्ण है कि द्वारिका वालों कृष्ण है, या जो ब्रजते वृंदावन ते आए करके जयपुर में बस गए आए करके ये वालों कृष्ण है? ये कौन सो कृष्ण है? वैसे एक बात है, अन्यथा नहीं है, लेकिन जो रस माधुरी वृंदावन में मिलेगी, बोरो मत मानियो राधा गोविंद जी, ये गोविंद देव जी महाराज तो हैं, तो हमारे ब्रज के ठाकुर ही, इनको जब देखें जो चमक ठाकुर वहां दिखाई देवे, मन ऐसो करे ये भी कह रहे इशारे इशारे दे के कभी हमें लेकर चल पड़ो वहीं पर। जो रस वहां आएगा वो रस कहीं और नहीं आएगा। मैं जयपुर की कोई उसमें वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वृंदावन रस का क्षेत्र है। मैं इतना उदाहरण दे सकता हूं कि वृंदावन का कृष्ण अलग है, मथुरा का अलग है, द्वारिका का अलग है और जयपुर का भी अलग है। क्योंकि महाप्रभु चैतन्य से जब पूछा
कि हम आराधना करना चाहते हैं, किनकी आराधना करें? तो कहते हैं महाप्रभु चैतन्य, आराध्यो भगवान। भगवान की आराधना करो। कौन सा भगवान? ब्रजेश तनय, ब्रज के राजा हैं, उनके जो पुत्र हैं, उन कृष्ण की आराधना करो। अच्छा कृष्ण, फिर पूछा कौन कृष्ण? वृंदावन, मथुरा, द्वारिका या जयपुर? बोले तद्धाम वृंदावन, वृंदावन वाले कृष्ण की आराधना करो। क्यों, क्या कारण है? 100 साल बाद जब राशेश्वरी राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ है, मिले तो थे, मिले हुए ही हैं। भगवान का अपनी आद्या शक्ति के साथ में मिलन कैसा है, राधा के साथ मिलना कैसा है? मिले रहत मानो कबहू मिले ना, मिले रहत है मिले हुए लेकिन लगता कभी मिले नहीं, मिले रहत मानो कबहू मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, बिना रसिक बने इसको समझा नहीं जा सकता। दोनों ही एक है, दूध और दूध की सफेदी, चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी, लेकिन जब दुनिया के इस प्लेटफॉर्म पर अभिनय करने के लिए जब इनका मिलन कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ है तो भगवान कृष्ण ने पूछा है, राधे फिर मिले हम, श्राप की अवधि पूरी हो गई, बताओ तुमको वही रस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जानते हो श्री राधा ने क्या कहा? हे कृष्ण, हे कन्हैया, सत्य कहूं तो जो रस वहां पाया है वो रस यहां नहीं मिला है। भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों? तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, फिर वो रस क्यों नहीं मिल रहा? तब कहा, यमुना का पुलिन पावन तट नहीं है, वृंदावन की वो पवित्र पावन भूमि नहीं है, और हे कृष्ण, तुम्हारी वंशी में वो पंचम स्वर नहीं है। भूमि का प्रभाव तो पड़ता है, आप डिस्को में चले जाओ तो वहां की भूमि का प्रभाव आपको दूसरी दिशा में ले जाएगा, और आप सत्संग के प्लेटफॉर्म पर चले जाओ तो वो दूसरी दिशा में ले जाएगा। भूमि का प्रभाव पड़ता है, वहां की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। वृंदावन की भूमि वृंदावन की है। नारायण, नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। सूत जी महाराज वक्ता के रूप में हैं, शौनक आदि ऋषि श्रोता के रूप में हैं, शौनक जी प्रतिनिधि हैं सब श्रोताओं के। प्रश्न किया है भगवान, सबसे पहला प्रश्न है, आपके चरणों में हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हुए यह निवेदन निवेदित करते हैं कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है और हम अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीव हैं। आपका ज्ञान रूपी सूर्य हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को छिन्न भिन्न कर देगा, ऐसा विश्वास हमें है। हे भगवान, हम कथा नहीं, कथा का सार सुनना चाहते हैं। दूसरी बात, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से विवेक की वृद्धि कैसे होती हो, कैसे होती है, ये हम जानना चाहते हैं। तीसरी चीज, माया मोह के लिए वैष्णव लोगों को माया क्यों नहीं व्याप्ती? वैष्णव जो होता है उसको माया नहीं पकड़ पाती, हां मोह नहीं लगता वैष्णवों को, ना माया पकड़ती है ना मोह ग्रस्ता है। वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है, एक सूत्र दे रहा हूं श्रोताओं के लिए, वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जो वक्ता के आने से पहले कथा में आकर के बैठ जाते हैं, वैष्णव वो है। प्रमाण भी दूंगा इस व्यासपीठ से, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहूंगा।
भागवत की कथा होने जा रही है, सब दौड़ रहे हैं, चलो चलो जल्दी चलो, कथा हो रही है, कथा हो रही है। धावन्तो प्यायुः सर्वे, लेकिन प्रथमम ये च वैष्णवाः, पहले वैष्णव आकर बैठ जाते हैं। जीवन का सूत्र याद रखो, व्यास भगवान बाद में आवे, हम पहले पहुंचेंगे, वो वैष्णव है। वैष्णवों को मोह नहीं ग्रस्ता, माया नहीं पकड़ती। तीसरी बात, इस कलिकाल में प्राणी मानव रहते हुए भी, मानव दिखते हुए भी असुर हो चुका है, राक्षस हो गया है। राक्षस की पहचान क्या जानते हैं? अच्छा देखो, हम जो चौपाइयां गाते हैं थोड़ा रिदम में गाते हैं, इसको तो संगीत में नहीं मानते हो, हम इसको भी रिदम के बिना कर सकते हैं, दिखा दे, बिना रिदम के कर दो। बोले मां नहीं मात और पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते निश्चर समझान प्राण। जो माता पिता को भगवान नहीं मानता है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। साधु संतों से सेवा कराने का काम करता है, मैया बाप का अपमान करता है, ये मनुष्य होते हुए भी राक्षस है, असुर है। ऐसे आचरण करने वाला दिखने में मानव है लेकिन वो दानव है, उसको दोबारा मानव कैसे बनाया जाए? रघुनंदन राम ने मानव को मानवता सिखाई है। प्रातकाल उठते हैं, बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो है भगवान, वो है इंसान। इंसान के रूप में भगवान कहा जाने वाला वही प्राणी है। महाराज मैं आपके लिए बताऊंगा, रावण इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण विद्वान था, रावण की विद्वता में कोई कमी नहीं थी, परम विद्वान रावण, लेकिन कितना बड़ा परिवार था रावण का जानते हो? बोले उत्तम कुल पुलस्त करनाति, शिव पुरंज पूजे हुवहु भांति, एक लख पूत सवा लख नाती, ताके घर में दिया न बाती, रहा न को कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। 100,000 पुत्र और 125,000 नाती, ये पुलस्त के कुल में पैदा हुआ है। इसके पूर्वज कौन है? ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त, और उस कुल में पैदा होने वाला ये रावण है। रावण इतना बड़ा विद्वान है लेकिन रावण के घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? बोले राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। रावण की विद्वता कितनी है? महाराज रघुनंदन राम जब सेतु निर्माण कर रहे, रामेश्वरम की स्थापना करने का विचार मन में किया है, जाममान को कहा है ये रामचरितमानस में नहीं है। देखो ये प्रसंग जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये रामचरितमानस का प्रसंग नहीं है, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग नहीं है, ये दक्षिण की रामायण का प्रसंग है। महाराज रघुनंदन राम ने जाममान को भेजा है, बोले एक काम करो जाममान जी, रावण विद्वान बहुत है, अगर रावण हमारा आचार्य तो स्वीकार कर ले तो रामेश्वरम की स्थापना को कार्य आसानी से है जाएगा, नहीं तो बंदरन के बीच में कहां थे ब्राह्मण पंडित ढूंढेंगे जाएंगे इतनी दूर। महाराज जाममान गए, आप सोचिए लंका गए जाममान, जाए करके रावण को पता चलिए जाममान का शरीर इतना विशाल है, महाराज रावण से कुछ कद उंगली ही छोटा था, जाममान का शरीर रावण से कुछ उंगल छोटा। जो जाममान पहुंचे सबने रास्ता बताया अंदर जाने के लिए, रावण के द्वार तक पहुंच गए हैं, रावण ने जाममान का स्वागत अभिनंदन किया, स्वागत किया जाममान का रावण ने, क्यों किया? पूजा करिए जाममान की। बोले हम तो रीच हैं भैया, हमारी पूजा क्यों करो? बोले प्रभु आप मेरे पूर्वज ब्रह्मा जी के अंश से पैदा हुए हैं, तो मेरे भी पूर्वज पितामह के समान आप हैं, इसलिए आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, उसके बाद मैं आपकी कोई बात सुनूंगा। महाराज रावण ने जाममान का पूजन अर्चन किया है, सिंहासन में बैठाया, आसन दिया है, रावण बैठा,
पूछा कैसे आपका आगमन हुआ? बोले रघुनंदन राम रामेश्वरम की स्थापना करना चाहते हैं, शिवलिंग शिव की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप आचार्य तो स्वीकार कर लें। रावण ने प्रश्न किया है, क्या रघुनंदन राम शिवलिंग की स्थापना विजय के लिए करना चाहते हैं? जाम मान ने कहा हां विजय के लिए करना चाहते हैं। रावण आज विचार करता है कि आचार्य तो स्वीकार करने में मेरा आचार्यत्व का गौरव है, क्यों? बोले मुझ जैसे को दुनिया ने राक्षस ही माना, लेकिन कम से कम राम एक ऐसा निकला जिसने मुझे ब्राह्मण योग्य विद्वान तो माना है, और राम जैसे ने मुझे अगर विद्वान योग्य माना है तो राम जैसे का आचार्यत्व करने का गौरव रावण को चूकना नहीं चाहिए। रावण ने कहा जामवान जी कहो जाकर के कि हम राम का आचार्यत्व स्वीकार करने को स्वीकृति प्रदान करते हैं। रावण विचार करता है कि आचार्य के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सामग्री लेकर के आना, सामग्री की व्यवस्था बनाना, ये आचार्य के ऊपर जिम्मेदारी है, कोई चीज की चूक नहीं रह जाए, वस्तु नहीं आई ये नहीं आई, आचार्य को पहले ही व्यवस्था सारी करके रखनी चाहिए। रावण ने सारी ये प्रमाण के साथ कह रहा हूं, रावण ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं सामग्रियों की जो शिवलिंग की स्थापना के लिए आवश्यक है, और उसके बाद रावण ने विचार किया कि बिना पत्नी के तो पूजन होगा नहीं। अशोक वाटिका में रावण आया और रावण ने आकर कहा कि राम विजय के लिए शिव की स्थापना करना चाहते हैं, लिंग की, शिवलिंग की, और मेरे आचार्यत्व को ग्रहण करना चाहते हैं, मैंने स्वीकृति प्रदान करी है। हे जानकी, आचार्य की बात मानना यजमान का कर्तव्य होता है, आपको मैं लेकर के चलता हूं, विमान में बैठिए, यहां से चलिए, स्थापना होगी उस समय पर आचार्य का कहना मान करके पूजन में भी रहिए, लेकिन यह याद रखिएगा बंधक आप मेरी ही हैं, इसलिए पूजनोपरांत आपको फिर से विमान में बैठकर के मेरे साथ लंका आना होगा। जानकी जी ने स्वीकार किया है, विमान में बैठकर के आई, विमान को दूर खड़ा कर दिया। रावण रघुनंदन राम के पास में राम जी आते हैं, हाथ जोड़ करके पूजन अर्चन रावण का करते हैं। रावण कहता है हे रघुनंदन, बिना पत्नी के, क्योंकि तुम विवाहित हो अतः, और तुम्हारी पत्नी मरी भी नहीं है, मर जाती तो विकल्प ढूंढा जाता, तुम्हारा विवाह नहीं होता तो विकल्प बहुत होते, लेकिन तुम विवाहित तो हो, तुम्हारी पत्नी भी जिंदा है, तो बिना पत्नी के यह कार्य पूरा कैसे होगा? रघुनंदन राम ने कहा तो आप ही विकल्प दे दीजिए, क्योंकि आचार्य आप हैं। तो कहा अभाव होता तो बात और थी, लेकिन अभाव तो नहीं है। रघुनंदन राम जानकी जी तो विमान में बैठकर आ गई हैं, लेकर आ गया हूं, शर्त है कि केवल पूजन तक आपके साथ रहेंगी और पूजन के बाद मेरे साथ विमान में बैठ करके फिर लंका जाएंगी। रघुनंदन राम ने स्वीकार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोस्वामी जी महाराज का आगमन, बड़े प्रेम से हम कीर्तन करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। हे नाथ नारायण चंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज का अभिनंदन है इस कथा में।
नारायण, चर्चा चल रही थी रावण की। रघुनंदन राम ने रावण के आचार्यत्व में आचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी इस बात को स्वीकार किया और जानकी जी रघुनंदन राम के अंग में, वाम भाग में विराजमान हो करके, और उसके बाद में यह कार्य पूरा हुआ। और बाद में रावण ने तो आशीर्वाद दिया है विजयी भव, रघुनंदन राम को आशीर्वाद भी दिया है विजयी भव। और जब विजयी भव का आशीर्वाद रावण ने दिया तो उस समय, अच्छा, विभीषण से बात भी नहीं करी है उस समय पर, विभीषण से बात भी नहीं करी, विभीषण को ऐसा कर दिया जैसे है ही नहीं मेरे सामने। लेकिन रघुनंदन राम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया और उसके बाद में जानकी जी को आज्ञा दी, विमान तैयार है। रघुनंदन राम हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहा कि दक्षिणा मांग सकते हैं जो आपको चाहिए। रावण चाहता तो ये भी कह सकता था यहां से लौट करके चले जाओ, यही दक्षिणा है। रावण ऐसा नहीं है, रावण के भीतर ब्राह्मणत्व तो है, ब्रह्मा का अंश तो है किंचित। इसलिए रावण ने कहा, हे रघुनंदन, दक्षिणा ये मांग रहा हूं कि जब मैं मरूं तो तुम मेरे सामने रहना, मेरी आंखों के सामने रहना, यही मेरे आचार्यत्व की दक्षिणा होगी। रघुनंदन राम ने स्वीकार किया है। यह है राम रावण का संवाद। ये सारी की सारी कथाएं, ये सारी की सारी लीलाएं तो केवल और केवल इसलिए होती हैं कि गलत का परिणाम क्या होगा और सही का परिणाम क्या होगा। इसलिए भीतर की मानवता को जगाने का काम रघुनंदन राम ने किया और रावण ने भी। इसलिए दक्षिण में रावण की पूजा होती है। ये दक्षिण की रामायण की कथा मैंने आपको सुनाई है। लेकिन एक बात है कि भीतर के रावण का नाश कैसे हो, मानव शरीर में बैठे हुए भीतर रावण का नाश कैसे हो, यह गुरुदेव हमको बताए। और अगला प्रश्न करते हैं, कल्याण में भी कल्याण और पवित्र को भी पवित्र कर दे। श्रेयसाम यद भवेत श्रेयः, पावनानाम च पावनम, और कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदादुना। भगवान श्री कृष्ण की शश्वत प्राप्ति का अर्थ जानते हो क्या? शश्वत प्राप्ति का अर्थ है आज मिले और कल बिछुड़ जाए, ऐसी प्राप्ति नहीं। जिसकी प्राप्ति निरंतर हमारे साथ, जो हम चले तो हमारे साथ, हम सोए तो हमारे साथ, बैठे तो हमारे साथ, जागे तो हमारे साथ, ऐसी कृष्ण की प्राप्ति का कोई साधन हमें बता दीजिए कि हम कैसे करें। कहा चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए तो संसार का सुख दे देती है, कल्प वृक्ष किसी को मिल जाए तो स्वर्ग का सुख दे देगा, लेकिन यदि आप जैसे सदगुरु किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति भी बड़ी कृपा से ही करा देते हैं, सहजता से ही करा देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसके बाद में कहा, शौनक जी आपके प्रश्नों से बड़ा प्रसन्न हूं, उत्तर देता हूं आपको, अब सुनो। सारे सिद्धांतों का निचोड़ करके बता रहा हूं, ये निचोड़ कैसा है, इसी का नाम भागवत है। ये संसार को अभय प्रदान करने वाला है, हर प्रकार से निर्भय कर देगा। दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? सबको भय है, मुझे हो गया तो क्या होगा, कल को मैं चला गया तो क्या होगा, मरने का भय सबको है। लेकिन एक बात कहें, एक बहुत बढ़िया बात, काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हे तवे। हम सबके सब प्राणी काल के गाल में बैठे हुए, काल सर्प है, व्याल और मेढक हम सब हैं। ये सर्प सबको खा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोग जा चुके हैं और कितने लोग जाने की तैयारी में हैं,
काल से बड़ा कोई नहीं है, काल सबको खाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन एक बात है, मेढक सर्प के मुख में बंद हो जावे और टर्र टर्र करे तो किसको बुलाएगा? अपनी स्वजातियों को, अपने सगे संबंधियों को। लेकिन मेढक अगर टर्र टर्र करके सबको बुलावे, आओ भाइयों, अरे मेढकों, मेरे जाति बिरादरी वालों, सब आ जाओ, मुझे इस सांप से बचाओ, एक भी मेढक क्या सांप के मुंह से उस मेढक को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। क्यों? अभी ये काल के गाल में जाएगा सांप के मुंह में, कल बाकी बचे हुए भी जाने वाले हैं। हम लोगों की स्थिति ऐसी है, जब कोई कैंसर हो गया, बेटा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लेना। कोई बीमारी हो गई, मैं मरना नहीं चाहता, हर कोई है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। इनमें से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक दिन ये भी मरेंगे, ये सब भी मरेंगे, तो फिर कौन बचा सकता है? मेढक मेढक मर रहा हो और सांप के मुंह में हो तो केवल दो ही हैं, केवल दो जो बचा सकते हैं उस मेढक को। कौन? या तो पक्षीराज गरुण, जो सांप को खाने की सामर्थ्य रखता है, गरुण का आह्वान कर ले तो बच जाएगा, या मोर को पुकार ले और मोर आ जावे तो बच जाएगा, क्योंकि मोर भी सांप को खा जाता है। बस ऐसे ही मेढक के समान हम सब जीव हैं। टर्र 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 कर करके अपने बिरादरियों को मत बुलाओ। अगर इस सर्प काल से बचना चाहते हो, या तो गरुण ध्वज भगवान विष्णु को बुला लो, या मोर पंख वाले भगवान कृष्ण को बुला लो, तो इससे भी बच जाओगे। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।